हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तानीज ग्लैम क्रिएशन। और मैं हूँ तानिया। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। एंड इस मेकअप लुक को मैंने क्रिएट किया है स्पेशली फॉर करवा चौथ, जो कि कुछ ही दिनों में आने वाला है। सो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैं इस मेकअप लुक को कैसे अचीव की हूँ, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। एंड अगर ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, देन इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। एंड चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसके बगल में, उसको भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आप लोग मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना करें। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। स्टार्ट कर रही हूँ प्राइमर से, और प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। मैं इस प्राइमर को मेरे टी जोन पे फोकस करते हुए पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी, ताकि फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई हो सके। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे लैक्मे का परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, और मेरा शेड है नेचुरल पर्ल। पहले मैं इसको मेरे बैक ऑफ द हैंड पे थोड़ा सा ले लूँगी, और फिर डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस और नेक पे अप्लाई कर लूँगी, जैसा मैं करती हूँ एज यूजुअल। इस फाउंडेशन को डॉट डॉट करके अपने फेस और नेक पे अप्लाई करने के बाद अपने हाथों से इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी, और फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी इसको ब्लेंड करने के लिए। अभी एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि मेरा फाउंडेशन एकदम भी पैची या केकी ना लगे। कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे NYB का कंसीलर स्टिक यूज़ कर रही हूँ, और मेरा शेड है ग्रैंड गोल्डन सेंट्रल 3। ये बहुत ही अफोर्डेबल कंसीलर स्टिक है, बहुत ही अच्छा काम करता है। सो इसे मैं अप्लाई कर लूँगी जहाँ जहाँ मुझे नीड है। सो इस कंसीलर को अप्लाई करने के बाद उसी सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अपने मेकअप बेस को सेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर। इससे मैं अपने पूरे मेकअप बेस को अच्छे से सेट कर लूँगी, और मेरा शेड है मार्वल। नाउ मैं अपने आईब्रोज को फिल इन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल इन द शेड लाइट ब्राउन। स्मॉल स्ट्रोक से धीरे धीरे मैं अपने आईब्रोज को फिल इन कर लूँगी इस आईब्रो पेंसिल के हेल्प से। अभी इस पुली की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को कॉम्ब कर लूँगी, ताकि जो प्रोडक्ट है वो एकदम इवनली स्प्रेड हो जाए, और मेरा आईब्रोज एकदम नेचुरल दिखने में लगे। अभी मैं स्टार्ट करूँगी आई मेकअप, एंड उसके लिए मैं ये हुडा ब्यूटी का न्यू न्यूड पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इस पैलेट में से सबसे पहले मैं ये ब्राउन कलर पिक कर रही हूँ। इस कलर को मैं अपने ट्रांजिशन पे प्लेस करूँगी, और फिर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं जो यहाँ पे आई मेकअप क्रिएट कर रही हूँ गाइज, ये बहुत ही सिंपल एंड इजी टू डू है। बहुत ही आसान है इस आई लुक को क्रिएट करना, एंड बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इस तरीके का आई मेकअप बहुत जल्दी जल्दी में क्रिएट हो जाता है। एंड ये आई मेकअप ऑलमोस्ट एवरी आउटफिट के साथ जाता है। इसके बाद मैं ये डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर पिक कर रही हूँ, एंड इसको लेके मैं अपनी क्रीज लाइन पे प्लेस करूँगी, और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जो कलर मैं ट्रांजिशन के लिए पिक की थी, ये वाला ब्राउन उससे एक से दो शेड डार्क है। अभी मैं ये वाला कलर पिक कर रही हूँ। इस कलर को कैसे एक्सप्लेन करूँगी आई डोंट नो गाइज। रेड एंड पिंक कलर को मिक्स करने से जिस टाइप का कलर आता है, ये उसी टाइप का कलर है।
इस कलर को मैं अपनी आउटर वी पे फोकस करते हुए इनवर्डली ब्लेंड करूंगी क्रीज लाइन से लेके आईलिड तक। अभी इस पैलेट में से ये ब्यूटीफुल सा गोल्डन कलर पिक करूंगी विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैट ब्रश एंड इस गोल्डन कलर को मैं अपने आईलिड पर प्लेस करूंगी पैट करते हुए। ये जो आई मेकअप है गाइस बहुत ही सुंदर दिखने में लगता है एंड इसे क्रिएट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी जल्दी क्रिएट हो जाता है। एंड इस टाइप का आई मेकअप को आप लोग ऑलमोस्ट एवरी इंडियन आउटफिट के साथ वेयर कर सकते हैं। आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का ब्लैक ग्लिटर आईलाइनर यूज कर रही हूँ। इससे मैं एक थिक बोल्ड विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं हमेशा विंग लाइनर ही ड्रॉ करती हूँ क्योंकि मुझे विंग लाइनर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली कोई ओकेजन के लिए मैं मेकअप करती हूँ तो मैं विंग लाइनर ही प्रेफर करती हूँ, पर अगर आप लोगों को विंग लाइनर नहीं पसंद है तो आप लोग बेसिक लाइनर भी ड्रॉ कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे जो मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ आई थिंक इस मेकअप लुक के साथ विंग लाइनर ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक्चुअली समहाउ आई फील विंग लाइनर ड्रॉ करने से हम लोगों का आईज ज़्यादा सुंदर लगता है, इसीलिए मैं विंग लाइनर ही ड्रॉ करती हूँ। सो लाइनर ड्रॉ करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी काजल और मैं यहाँ पे मेबलिन द कलोसल काजल यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं अपनी वाटर लाइन और लैश लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। अभी फिर से और एक बार उस डार्क चॉकलेट ब्राउन एंड रेडिश पिंक कलर को पिक करूँगी। इन दो कलर को मिक्स करके मैं अपने बॉटम लैश लाइन के क्लोज इस तरह से स्मर्ज करते हुए इसको अप्लाई कर लूँगी ताकि ऊपर वाला आई मेकअप के साथ नीचे वाला आई मेकअप बैलेंस हो जाए और आई लुक ज़्यादा सुंदर दिखने में लगे। अभी मैं अपने लैशेस को कर्ल कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ एन आई लैश कर्लर और फिर इसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का वर्क फ्री मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। इसी से मैं अपने अपर लैशेस एंड बॉटम लैशेस दोनों को अच्छे से कोट कर लूँगी। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ सिवाना कलर्स का प्रो ब्लशर हाइलाइटर एंड कंटूर पैलेट। इस पैलेट में से मैं ये कंटूरिंग शेड पिक करूँगी और इसी से मैं हल्का हल्का अपने फेस को कंटूर कर लूँगी ताकि मेरा फेस थोड़ा सा स्कल्प्टेड लगे। ब्लशर के लिए मैं यही सेम पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इस पैलेट में से ये जो पीची कोरल कलर का ब्लशर है इसको मैं अपने एप्पल्स ऑफ द चीक्स पर अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर के लिए भी मैं यही सेम पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इस पैलेट में से ये जो फर्स्ट हाइलाइटिंग शेड है इसे मैं अपने फेस को हाइलाइट कर लूँगी जहाँ जहाँ मैं यूजुअली हाइलाइट करती हूँ, जैसे हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द चीक्स, ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, चिन, फोरहेड, आईज के इनर कॉर्नर्स एंड ब्राउ बोन को भी। फॉर लिपस्टिक मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का नॉन ट्रांसफर लिक्विड लिप कलर यूज़ कर रही हूँ और मेरा शेड है पंख मरून। एंड गाइज मेरा मेकअप ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है एंड आई विल बी जस्ट कमिंग बैक आफ्टर वेयरिंग माई फाइनल आउटफिट एंड ज्वेलरीज। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल फिनिश्ड लुक। आई होप आप लोग को मेरा ये करवा चौथ स्पेशल मेकअप लुक पसंद आया होगा। आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर सच में ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, ये वीडियो आप लोग को पसंद आए देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड उसके साथ आप लोग इस वीडियो को कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी।